आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी व्यस्त होने के कारण आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा गया है। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार तेजस्वी जी, क्या हाल चाल? ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। आज बहुत लंबी आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है? पूछूं? हाँ हाँ। स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी है 51,000। हाँ, उस अर्जी में वो ये कह रही है कि हम शिक्षा मित्रों को इस भर्ती में मौका दे सकते हैं, आप अगर आप हमें इजाजत दे तो। हाँ ठीक है। जब सरकार 68,500 में दे चुकी है, 69,000 में दे चुकी, तो सरकार अगली तीसरी भर्ती में इनको कैसे मौका दे सकती है? ओके, एक बात है, उसके चार बेटे या दो बेटे हैं, ठीक है, जिनकी आपस में कोई खास बनती ना हो, और वो बाप जो है बच्चों में हिस्सा बांट रहा हो, किसी को अगर वो ज्यादा दे तो अन्य बच्चे क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, और प्रॉपर्टी आपके पापा की प्रॉपर्टी, दो भाई है, बराबर बराबर बटेगा, वरना झगड़ा होगा। हाँ, और क्या जब बाप एक बच्चे को ज्यादा दे रहा होगा, क्या उसमें पहले ये चीज उसको अंदाजा नहीं होगा कि हम एक को ज्यादा देंगे तो इनका आपस में झगड़ा होगा? लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हो और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोनों में फर्क है। रुकिए 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 रुकिए, वही आ रहे हैं वही आ रहे हैं। बस अभी जो दूसरा क्वेश्चन था उसका जवाब दीजिए कि क्या जब एक बच्चे को वो ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहे थे तो क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इनमें लड़ाई हो सकती है, रहा होगा कि नहीं? पापा को बिल्कुल पता होगा कि अगर मान लीजिए मैंने इसको 2 करोड़ दे दिए, इसको 4 करोड़ दे दिए, 3 सालों में लाठी चलेगी। एग्जैक्टली, तो जब चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करना है तो विवाद रखे जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी यही किया था कि नहीं, नहीं, मुझे आपका जवाब मिल गया, बाकी तो कहानी मुझे आपकी रटी पड़ी है। अगर नींद में कोई बड़े दबाई हो जाएगी, मैं यही जानना चाह रहा था। अब 51,000 दे रहे हैं, सुन लो, मैं यही जानना चाहता था कि साला ऐसा कोई नया कानून तो नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 भर्ती में मौका देने के लिए कहा था कि 3 में भी दे रहे हो? ठीक है, कुल मिला के कंक्लूजन वही है जो हम बताते आए हैं, अभी भी वही है, होनी है, हाँ। होनी है। तो कुल मिलाकर के 51,000 विवाद इसलिए डाला जा रहा है कि पहले तो जो 40-45 तक वाले जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी मजबूती से केस लड़े, दूसरा जो उनका विरोध करने वाले हैं वो मजबूती से केस लड़े, ठीक है, तीसरा जब वो देखेंगे इतने पद गवर्नमेंट उनको दे सकती है तो जो 2-4 नंबर से प्रश्नों वाले विवाद हैं वो मजबूती से केस लड़ेंगे। सीधी सी बात यह है कि चारों तरफ से कहीं से भी नजर घुमा लो, बकचोदी ही फैल रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो बस सीधी सी बात है भाई, बंदर बात तो वही चल रहा है, बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, बंदर जो है रोटियां खाए जा रहा है। तो चूंकि अभी इस भर्ती को नहीं करना है तो बस पेच डालते चलो, एक एक पेच डालते चलो। नहीं नहीं नहीं, वो ये सब बातें तो मैं समझ रहा था कि, लेकिन मेरे मन जानते ही क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा कि ऑर्डर तो 2 भर्ती का था, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं कोई कानून बन गया या कोई नया ऑर्डर आ गया कि चलो तीसरी में भी दे दो। यहाँ मुझे थोड़ा सा संयस हो रहा था। अच्छा हाँ, आज मेरे पास, कल से ही मेरे पास जो है लगातार इसी प्रश्न को लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे, फेसबुक पर लोग कमेंट में कह रहे, कॉल कर रहे लोग कि ये 51,000 ये गवर्नमेंट क्यों दे रही है। कुछ लोग तो रो भी रहे हैं कि भाई अरे ये तो वहाँ गवर्नमेंट उनका कर रही है, हम लोग का हमने ये। और दूसरा प्रश्न ये है, 1,000 भर्ती का जब रिजल्ट आया और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा, अखबार में छपा, साला मुझे खुद ये नहीं पता कि मैं 1% पे खुश नहीं हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ, पहले भी खुश नहीं था। तो चूंकि आप कहानियां इतनी बार सुन चुके हैं, सब दिमाग में भरा पड़ा था, इसलिए आप जो है सब जान रहे थे आगे क्या होने वाला है। जैसे अभी हमने एक ऑडियो डाला है 69,000 की, वो कैंडिडेट उस दिन जिससे बात कराए थे आपकी, वही है। अच्छा, तो अब वो भी पहले नहीं मान रही थी मेरी बातें कि काउंसलिंग जो है रुकेगी, स्टे लगेगा, लेकिन अब वो मानने लगी है हर चीज को।